ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो। ईद मुबारक सबको। कैसी है? ठीक है। नदीम भाई आपको भी ईद मुबारक। मुजम्मिल तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इस एमन के बाल देखना कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसे तो मेहंदी भी लगाई। वाह, खुद भी बहुत मेहंदी ना लगा से अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मेहंदी लगाने से बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है कि ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सानिया भी तैयार हो गई है और हुसैन भी, तो हम जा रहे हैं। आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। पहले जाएंगे छोटी फूफो के पास, बाद में जाएंगे बड़ी फूफो के पास। हाँ जी, तो दोनों को ईद मुबारक देंगे। ईद मुबारक भी देनी है और ईद भी देनी है। तो फिर जो है ना, आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो अभी हम चलते हैं। मिठाई वगैरह भी ले ली है मैंने और बोतल भी ले ली है। तो आगे चलते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके ना फिर बहुत मजा आने वाला है। जैसे जैसे वीडियो आगे बनाएंगे तो आपको शेयर करके दिखाएंगे। चले फिर हुसैन, आपने कहाँ जाना है? जिसको भी करंट लगा है ना, लगता है मुझे भी लगा है, सबको लगा है। अभी शहजाद भाई के घर पहुंच चुके हैं। तो ये शहजाद भाई का घर है, तो फूफी को ईद देने के लिए आए हैं हम। तो माशाल्लाह से फूल वगैरह भी लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में काम शाम कर रहे होंगे, ईद का दिन है ना, तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। ईद मुबारक गुड़िया को, क्योंकि मैंने कहा कि गुड़िया को ईद देती जाऊं। गुड़िया हमारा एक घर का हिस्सा है ना। ये मिठाई और ये गुड़िया के लिए ईद। ठीक है, और सब ठीक है? ईद कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। तो बाप बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं। हाँ, मेहमान तो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। अबू के जाने के बाद पहली ईद है ना, घर पे खड़ी, मैं कहीं भी नहीं गई। मेहमान आ रहे हैं ना, दिल नहीं किया आगे जाने का। पहले कहा हमने गुड़िया का बाप होता तो बहुत मजा आता, वो भी हमारे साथ होता। गुड़िया का अबू था नहीं तो फिर हमें बहुत ज्यादा ये गुड़िया प्यारी लगती है। तो हमने कहा हम सोचे पहले इधर से चले गए, आगे फिर आगे भी जाना है। उधर अफसोस है, अल्लाह पाक को जो मंजूर होता है। देखने वाले, मैं पहली बार से आपकी वीडियो में आ रही हूँ। आप सब फैन भाई मेरे मियां के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे मियां को जन्नत में जगह दे और मैं भी सब्र अता फरमाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसे मिस करते हैं। उनके बगैर बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमारा साथ जो है, हमारे भतीजों का, भाइयों का, सब लोगों का साथ जो है, लेकिन जो घर वाले का साथ होता है ना, वो सबसे बेस्ट है। वो जो काम होते वो कोई पूरी नहीं। ये छोटी बच्ची है ना, ये बहुत ज्यादा रोई है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। तो ये हर वक्त मेरी बेटी सारी रहती है, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं गुड़िया के पास जाऊँ। और आपने ईद खीर बना ली है अभी? हाँ। अच्छा, खाना खाना खा लिया है? मेहमान कितने? अच्छा, अंदर बैठे हुए? अच्छा अच्छा, आगे हमने आगे जाना है अभी, वो मुजम्मिल और फूफो की बड़ी फूफो, उधर उनको भी ईद देंगे इंशाल्लाह, उनसे भी गपशप करेंगे फिर। तो ऐसे हर किसी के घर गए हैं ना, एक वीडियो हमने बना ली, दूसरी बना रहे हैं। पहले भाई लोगों के घर गए हैं, फिर आपके घर आए हैं, फिर अभी फूफो के घर जा रहे हैं। बस ये आखिरी वीडियो है हमारी। फिर कल से जो है ना हेल्पिंग शुरू, क्योंकि ये तो दो तीन दिन खुशी के होते हैं। चलो तो घर के बनते हैं। हाँ इंशाल्लाह, ये अपनी तरफ से। हाँ, ये तो अपनी तरफ है, ये तो ऐसे समझ ले के, ये तो हमारे अपने हैं ना, मतलब जैसे खाला हो गई या ये तो हमने ना जो है ना ईद देनी है ना, ये ना हिस्सेवार है हमारी बहने है ना। हाँ। तो मेरे चाचू जान की, तो इसलिए जो है ना हम दे रहे हैं। वो शबाना भाभी शबाना को भी दिए इधर देंगे, नंद है तो इसलिए। हुसैन हुसैन से बात करती रहती हूँ ना, इस वजह से। चले हुसैन, हुसैन अभी जा रहे हैं। चलो अभी चलते हैं फिर इंशाल्लाह, आगे आगे की वीडियो आगे होगी। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम तो गुड़िया ज्यादा आए हैं, गुड़िया हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है जी। सब भी सही है। चलो चले, शहजाद भाई अंदर है। वो मेहमान आए हुए ना, तो उनके पास बैठा हुआ। हाँ सही, चलो चलते हैं। ठीक है,
कल रोते रहे हैं सारा दिन। आज सुबह हमने प्रॉमिस किया है शहजाद ने और मैंने कि आज ईद का दिन है, पूरा दिन हम रहेंगे नहीं, खुशी खुशी आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय करें इंशाल्लाह। जो अल्लाह को जो नसीब में होता है बंदे को, हां वही होता है। आप पता है रात हमारे साथ एक खुद की हुई है, बहुत बड़ा हम है, उसी मुसीबत देखकर हमारा दिल कैसे कांप उठा है, बिल्कुल जंग लड़का था, बस ठीक ठाक था, बिल्कुल ठीक था, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, हमारे साथ ही है बिल्कुल, तो पूरा जला शहर उलट पड़ा है उधर, अभी मैं ना जो सुमैरा आप ही के पास आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम देखने वाले बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सुमैरा को ना ईद मुबारक देने के लिए आई हूँ मैं, और जुनैद को मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा जुनैद को बहुत बहुत ईद मुबारक, मुबारक मैं जुनैद को ईद देने के लिए आई हूँ। ठीक है, ठीक है, खुश हो। और भाई इमरान को भी बहुत मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। तो मैं भी इंशाल्लाह दूंगी, मैं जब अब चलती वापस जाऊंगी ना तो ऐसे जाऊंगी मैं भी। हमारा ये इधर को आए, हमारे से होते जाना फिर, बस हम ना आगे जा रहे हैं उधर, अभी बस एंड है हमारा, अभी घर होगी, मैं आ रही हूँ उधर, घर शायद क्या पता हूँ या ना हूँ शाम तक। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सेना वगैरह बना बनू ली है। जी जी। और भाई आए नहीं भाई, भाई एक वसीम भाई जी, सलीम भाई आए हुए, वसीम भाई ने कहा कि मैं आ रहा हूं। वो अभी आ रहे हैं क्योंकि वो सोनिया पार्लर पे गई है, वो है भी नहीं घर सुबह से, मैं भी कहीं हूँ था। पता है हमारे देखने वाले बहन भाइयों को फिरोजा हमारी यही आप ही यही बात बहुत पसंद है, जो हम आपस में एक दूसरे के इखलाक, यानी कि इखलाक, और इसी तरह हम हमेशा रहेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। जब बड़ी दिन होता है, खुशी होती है, हम साथ इकट्ठे होते हैं, माशाल्लाह हम अपना ये यानी कि इखलाक हम कायम रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे तो खूनी रिश्ते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, हमारे दो थोड़ी हैं जी, हम दो भाई हैं, दो बहनें हैं माशाल्लाह। फूफो है मेरी, एक छोटी फूफो एक बड़ी फूफो, तो जाना खुसूसी तौर पे हम इनके घर जाते हैं ज्यादातर, और वीडियो भी शेयर करते हैं जी, जी। जो चैनल पे है, लेकिन बाकी सबके घर जाते हैं जी, हाँ। तो अभी जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी भाजी सानिया भी आई हुई है, तो मैं इसी घर दूंगी जाकर, मैं अभी इसके घर जा रही हूँ तो उधर ही दूंगी। अंबर भी है, वो भी मेरी भांजी है, इससे बड़ी है, वो यूट्यूब पे नहीं आती, वो तैयार होने के लिए चली गई है। सानिया ने खुद मेकअप किया है, देखिए मैंने कहा पार्लर से करा कर, मैंने सानिया से पूछा है, सानिया खुद कर लिया है, सानिया ने खुद कर लेती है ना, वो बाजी ने इसे सिखाया था, बाजी सैका ने वो आई थी तो जो है ना उसने सिखाया था इसे सब कुछ, बताया था। चले आगे, आपके लिए वो कोल्ड ड्रिंक और मिठाई लेकर आती हूँ, खा खा के थक गए हैं, बोतल और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और रसगुल्ले खा खा के थक गए हैं, मिठाई अभी आगे चलते हैं, गले बैठ रहे हैं, सही बात है जी। समाविया लोगों के पास पहुँच आए हैं, बड़ी फूफो के घर, हाँ बड़ी फूफो के घर, तो अभी बच्चों को मिलने के लिए आए हैं और ईद मुबारक देने के लिए। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो, ईद मुबारक सबको, कैसी है? ठीक है। नदीम भाई आपको भी ईद मुबारक। मुजम्मिल तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सब ठीक हो? ठीक हो, बच्चों सब ठीक हो? क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा, सानिया के साथ खेलोगे? चलो आपके लिए जो है ना मिठाई वगैरह भी लेकर आए हैं, और फिर अंदर चलते हैं इंशाल्लाह, और फूफो के साथ भी इंशाल्लाह गपशप करेंगे सबके साथ, ठीक है ना? हाँ, चलो अंदर। तो अभी मैं मामू के पास पहुंच चुकी हूँ, ईद मुबारक मामू, ईद मुबारक आपको, मुबारक खैर मुबारक, ठीक ठाक है, बाहर नहीं लिया का। तो अभी मैं आपके लिए ईद लेके आई हूँ, ये मिठाई का डब्बा है, और सुखो के लिए लेके आई हूँ, बच्चे नहीं है, और बच्चों को भी ईदी देती हूँ, सबको दे दो। ये समाविया की ईदी है, और ये मुजम्मिल की, और ये जो है ना इसकी अहमद की छोटी गोरी सी, और ये इसकी, और ये फूफो की। मैंने कहा सबको जो है ना ईदी दे दू, और सब ठीक ठाक है आप? बहुत ज्यादा कपड़े पहन पहन के थक गए हैं,
मिठाई सुबह से खा खा के थके हैं। अभी पहले दे वेट कर रहे हैं उसका सोनिया, वो उन्होंने कहा कि हम वो अभी पार्लर से आई है सोनिया, वो आने वाली है। हां इंशाल्लाह भी आ जाएगी। एक पैन पर गया तो अब दोबारा घर आके मैं चेंज कर दे 500 रुपया। और नदीम भाई कैसे हैं? नदीम भाई ठीक है? और नदीम सब ठीक है? आप ठीक हो? कल आज आज वे पहना है हमारे घर आना फिर ठीक है सब मिल के वो सब ठीक है। अच्छा ईद गुजार लिए इसका मतलब जैसे हम देर से हैं। कोई भी नहीं आया सोनिया भाई यार पहला दिन है वैसे भी माशाल्लाह। हाँ 3 दिन पक्का।